मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? निशा कोहली। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? लाजपत नगर 4। मैम कितने साल का है आपका बच्चा? 14 ईयर। क्या देख रहे थे आप अपने बच्चे के लिए मैम? अच्छा स्कूल, गुड एजुकेशन। ओके, कौन कौन से स्कूल्स आपने कंसिडर किए थे मैम अपने बच्चे के लिए? समरफील्ड ट्राई किया था, APJ, MET, बिरला और ये इधर ब्लू बेल्स। कहाँ कहाँ पर है ये स्कूल्स मैम? ब्लू बेल्स तो इधर ही है, LSR के बिल्कुल ऑपोजिट। कौन सी जगह? ये पड़ेगा कैलाश कॉलोनी पड़ेगा। और टैगोर इंटरनेशनल? टैगोर इंटरनेशनल ईस्ट ऑफ कैलाश। और कौन से स्कूल्स बताए आपने मैम? MET साकेत में। ओके, APJ पुष्पविहार और समरफील्ड कैलाश कॉलोनी। कौन सा स्कूल आपने फाइनली चूज किया और क्यों? समरफील्ड चूज किया क्योंकि वो नियर अबाउट है, बच्चे को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, टाइम सेव होगा। ओके, और मेरी बड़ी बिटिया उसी में थी इसीलिए। ओके मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका समरफील्ड स्कूल के साथ मैम? कुछ ऐसी दो बातें स्कूल के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? सबसे अच्छी तो बात है कि स्टडी पे बहुत जोर दिया जाता है बच्चों की, और ये जो वीकली इनकी ड्यूटी लिए जाती हैं इससे ये होती है कि बच्चे की हाफ ईयरली और फाइनल के लिए प्रिपरेशन हो जाती है अच्छे से। समरफील्ड स्कूल के अंदर कुछ ऐसा मैम जहाँ सुधार की जरूरत है आपको लगता है आपके हिसाब से? बस ये है कि थोड़ा फ्राइडे एक्टिविटी में, ये फ्राइडे क्लब रखा जाता है, उसमें ये होता है कि बच्चे सुबह से लेके शाम तक थक जाते हैं, उस दिन स्टे बैक होता है इनका 2 आवर्स का, तो उसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सुबह 6 बजे के बच्चे उठे हुए शाम को 5 बजे घर पहुंचते हैं, उसकी जगह इन्हें चाहिए कि एक सैटरडे वर्किंग रख के उस सैटरडे में इनको फ्राइडे क्लब रखना चाहिए। 1 से 5 के स्केल में जहाँ 1 का मतलब है आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे और 5 का मतलब है आप पूरी सिफारिश करेंगे, तो समरफील्ड स्कूल के आप दूसरे पेरेंट्स को कितनी सिफारिश करेंगे मैम? 5। थैंक यू सो मच मैम।